जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, वो भी परमानेंट कमीशन के द्वारा, यानी कि 4 साल की भर्ती ना होकर परमानेंटली आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि परमानेंट कमीशन के तहत निकली है, यानी कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत ये नहीं निकली है, 4 साल वाली ये भर्ती नहीं आई है। इसमें आपको परमानेंट इंडियन आर्मी में रखा जाएगा, जो भी इसके तहत इंडियन आर्मी में भर्ती होगा। तो आप सभी के लिए इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा मौका आपको मिल चुका है नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन होने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, 10th पास है, 12th पास है या फिर कुछ और है। दूसरा, यहाँ पर आपकी एज लिमिट कितनी मांगी गई है इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। और तीसरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट आपकी इंडियन आर्मी में कितनी मांगी जाएगी, तो मिनिमम हाइट आपकी कितनी मांगी गई है नर्सिंग असिस्टेंट, यानी कि NA भी इसको हम बोलते हैं, NA के लिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इसके ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट डेट इसके ऑनलाइन आवेदन की क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी फर्जी या फेक जानकारी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल राइट जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके ऑनलाइन आवेदन के बारे में। तो इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट है आपकी 2 नवंबर, यानी कि 2 नवंबर 2022 तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो 2 नवंबर से पहले ही आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो ये तो गई इसके आवेदन के बारे में, ऑनलाइन आवेदन इसके चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर इसमें भी इंडियन आर्मी की इस भर्ती में भी 2 साल का आपका एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो नॉर्मल एज रहती थी वो 17.5 से 23 साल के बीच रहती थी, लेकिन इस बार 2 साल का एज में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपकी जो इस बार एज है वो आपकी 17.5 से 25 साल के बीच आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आपकी एज 17.5 से 25 साल के बीच है तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ, कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जन्म 1 तारीख 10वां महीना 1997 से आपका 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2005 के बीच हुआ है, यानी कि 1/10/1997 से 1/4/2005 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देना अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच है या फिर ये डेट है, ये दोनों डेट है या फिर इनके बीच है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको एज में नहीं होगी। तो ये तो गई एज लिमिट की बात। तो अब करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 12th पास कर रखा है, 12th पास किस सब्जेक्ट से, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है नर्सिंग असिस्टेंट की है, तो यहाँ पर आपके पास बायोलॉजी होना कंपलसरी है 12th क्लास में। और आप अगर आपके पास बायो है या फिर अगर आपके पास मैथ प्लस बायो है, कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं चॉइस ले लेते हैं, मैथ के साथ साथ बायो भी ले लेते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनके जो है मिनिमम 50% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए, यानी अगर आपके 50% मार्क्स 12th क्लास में टोटली हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, यानी कि 40% नंबर आपके अलग अलग सब्जेक्ट में होने चाहिए और टोटल मिलाकर 50% आपकी परसेंटेज 12th क्लास में बैठनी चाहिए।
तो आप इसके लिए एक आवेदन कर सकते हैं। आपका एक क्वालिफिकेशन है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये तो गई इसके क्वालिफिकेशन की बात दोस्तों। अब यहाँ पर आती है हाइट की बात। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हाइट जो है अलग अलग जोन की अलग अलग दे रखी है। जैसे आपका जो है यूपी और उत्तराखंड वालों का अलग जोन है, अलग नोटिफिकेशन आया है। आपका जो है मध्य प्रदेश का अलग आया है, राजस्थान का, पंजाब का, इन सब का अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो है जोन के अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है वो अलग अलग रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपका जोन की जो पीडीएफ है उसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने जोन की, वहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, ये जो भर्ती है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, यानी कि लड़कियां इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस भर्ती के लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फीमेल की नर्सिंग असिस्टेंट की अलग से वैकेंसी निकलती है, जिसमें अब आपका शायद नीट कंपलसरी कर दिया है, नीट एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो गर्ल्स की जो है नर्सिंग असिस्टेंट में अलग से वैकेंसी निकलती है, तो ये केवल बॉयज़ के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई इसकी हाइट, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसके ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके ऑनलाइन आवेदन की आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, यानी कि फ़ीस आपकी कोई भी 0 रुपये आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, कोई फ़ीस आपको नहीं देनी। आपको जाना है कंप्यूटर वाले की दुकान पर और इसका ऑनलाइन आवेदन कर देना है, और वो केवल अपनी फॉर्म भरने की फ़ीस लेगा, इसकी कोई भी फ़ीस आपकी नहीं होगी, वो केवल अपनी फ़ीस लेगा जो फॉर्म भरता है। तो साथियों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपका जो है वीडियो बना देंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस रहता है बिल्कुल सेम है। 1600 मीटर रनिंग होगी, 5:45 का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है जो फिजिकल में प्रोसेस होता है वो सभी होगा, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी, जो नॉर्मली अग्निवीर के लिए हुआ है। आप जानते हैं अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही है बॉयज़ की, तो अब गर्ल्स की चलने वाली है। तो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस रहेगा बॉयज़ का जो रहता है इंडियन आर्मी में। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसकी अलग से भी वीडियो हम बना देंगे, इसके फिजिकल कैसे होंगे, मेडिकल कैसे होगा, इसके रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, इन सभी की वीडियो हम अपने चैनल पर आपको बिल्कुल सही समय पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर पर्सनली आप कोई हमसे प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।